क्वेश्चन नंबर 46 जो काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। एक कमरे की लंबाई या चौड़ाई 21 मीटर और 16 मीटर है, यदि इस कमरे की रखी जा सकने वाली दीर्घतम छड़ की लंबाई 29 मीटर है तो कमरे की ऊंचाई बतानी है ना। तो कमरा जो है आपका एक तरह से ये मान लो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, ठीक है। अब क्यूब तो नहीं हो सकता क्योंकि लंबाई चौड़ाई जो है अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए एक क्यूबॉइड हो जाएगा, और क्यूबॉइड में विकर्ण की लंबाई होती है जो मैक्सिमम विकर्ण होता है, तो डायगोनल उसकी लंबाई होती है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये लंबाई नहीं फॉर्मूला है लेंथ का, ठीक है। तो डायगोनल जो है आपको 29 दिया हुआ है, और रूट एल स्क्वायर का मतलब 21 का स्क्वायर 441, और 16 मतलब वी का स्क्वायर यानी कि 256 प्लस एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर यानी कि एच हमें निकालना है, ठीक है। तो 29 का हम मतलब जानते हैं कि 29 का स्क्वायर होता है 761 होता है ना, सॉरी गाइस करके देखा तो 841 जो है वो होता है 29 का स्क्वायर। तो और ये यहाँ पे करोगे तो 29 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 और 1 7, 5 और 4 9, और 4 और 2 6, ठीक है। 697 प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आना चाहिए वो आपको बता लगा। तो दोनों तरफ क्योंकि हम स्क्वायर कर चुके हैं तो रूट हट जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 841 में से 697 आप घटा दोगे, एच स्क्वायर बराबर 144 आ गया, यानी कि एच की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, 12 मीटर जो मीटर में आया तो मीटर में ऑप्शन हो जाएगा मीटर, यही आंसर है।